जय श्री राम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस ट्रेलर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साधना एंड टुडे आई एम गोना रिएक्ट फाइनली ऑन आदि पुरुष ऑफिशियल ट्रेलर इन तेलुगु एंड हिंदी बोथ। ऑब्वियसली आई एम हैविंग सो मेनी तेलुगु पीपल हियर इन दिस चैनल एंड प्रभास इज प्राइमरली फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री बट नाउ ही इज अ सुपर स्टार एंड पैन इंडिया स्टार एंड यू नो एवरीथिंग। ओके, बट मैं ये इंट्रो पहले ही शूट कर रही हूँ क्योंकि आई के नॉट वेट। एक बार ट्रेलर आ जाएगा, आई के नॉट वेट लाइक टू शूट इंट्रो एंड ऑल। आई एम एक्साइटेड, फिंगर क्रॉस, ट्रेलर इज कमिंग इन एनी मिनट। सो या, लेट्स वॉच फर्स्ट इन तेलुगु एंड देन इन हिंदी। गाइज, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, जय श्री राम। मंगल प्रदमु श्री रामुनि पयनम। इदिन रामुडि कथा। ఆయన మనిషిగా పుట్టి భగవంతుడైన మహనీయుడు. ఆయన జీవితం ధర్మానికి సన్మార్గానికి నిదర్శనం. ఆయన నామం రాఘవ. ఆయన ధర్మం అధర్మానికున్న అహంకారాన్ని అంతం చేసింది. ఇది ఆ రఘునందనుడి గాథ. యుగ యుగాల్లోనూ సజీవం, జాగ్రత్తం నా రాఘవుడి కథే రామాయణం. భిక్షాంతి. Guys, I'm having good. Oh my god. What a beautiful change. Wow. మీరు అయోధ్యకి యువరాజు, ఒక్క సైగ చేస్తే చాలు సమస్త సైన్యం మన కోసం పోరాడుతుంది. అది మర్యాదకు విరుద్ధం. అంటే మీకు వదిన మా ప్రాణాల కన్నా మర్యాద అధిక ప్రియమైనదా? నా ప్రాణమే జానకిలో ఉంది, కానీ నా ప్రాణాల కన్నా మర్యాద అధిక ప్రియమైనది. I'm understanding everything. ఆదివాసి పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం నీ గౌరవానికి తగదు. మనం జన్మతో కాదు, చేసే కర్మతో చిన్న పెద్ద అవుతాం. నీలో ఉన్న శక్తిని గుర్తించు బజరంగ్. నువ్వు ఏది చేయగలవో అది ఇతరులెవ్వరూ చేయలేరు. రాఘవ నన్ను పొందడానికి శివధనస్సుని విరిచారు. ఇప్పుడు రావణుడి గర్వాన్ని విరిచేయాలి. నా కోసం పోరాడద్దు. వేల సంవత్సరాల తర్వాత తల్లులు మీ వీరగాథలు చెప్తూ పిల్లలను పెంచాలి. ఆ రోజు కోసం పోరాడండి. పోరాడతారా? అయితే దూకండి ముందుకు. అహంకారం రొమ్ము చీల్చి ఎగురుతున్న విజయ ధ్వజాన్ని పాతండి. బ్రహ్మాండంలో పొందాలనుకున్నవన్నీ పొందుతున్నావు, అయినా నువ్వు రాక్షసుడవే. లక్ష్మిని సొంతం చేసుకో, నారాయణుడి అయిపోతావు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. माय गॉड यू गाइस, मुझे सब कुछ समझ आया, सब कुछ. आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, बट लेट्स वॉच इन हिंदी. 1, 2, 3, जय श्री राम. ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार. गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की. भिक्षां देहि. गाइस,
Wow. आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। चकली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। आदि पुरुष, ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। Oh my God, you guys, मेरा बर्थडे सफल हो गया। Oh my God, I cannot even tell you, I just love, love, love this trailer. Guys, जब मैंने इसका टीजर का रिव्यू किया था ना, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किए थे कि ये आप फेक रिव्यू कर रहे हो, बट मैं इस पूरे टीजर को ना उस टाइम पे मैं आई वॉज नॉट लुकिंग दिस एज अ मूवी, आई वॉज नॉट लुकिंग इट एज अ प्रभास की मूवी, आई वॉज लुकिंग इट एज अ श्री राम जी की मूवी। ओके, एंड नाउ ऑल्सो एवरी वन शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज इट दिस मूवी इज आदि पुरुष की मूवी, भगवान श्री राम की मूवी। एंड आई कैन नॉट टेल यू, नॉट ओनली भगवान श्री राम की मूवी, द टीम ऑफ आदि पुरुष हैव डन अ फैंटेस्टिक जॉब। मैंने इस वीडियो को देखा अभी और अगर हम इसको थिएटर में देखेंगे तो कितनी खतरनाक लगने वाली है। मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा, मुझे कोई शिकायत नहीं लगी VFX से। अब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो हाँ, शायद पहले के VFX मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब उसके बाद भी मुझे मैंने देखा तो ये सारी चीज़ें हुई, बट राइट नाउ ओह माय गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मेनी गूज़बम्स आई वाज हैविंग थ्रू आउट माय बॉडी एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ फास्ट माय हार्ट इज बीटिंग राइट नाउ, धक 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 धक, एंड माय लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं कांप रही हूँ। यू नो जो इनके डायलॉग्स थे ना, इवन व्हेन आई वॉच दैट तेलुगु ट्रेलर ना, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एट दैट टाइम, आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आईज बिकॉज आई वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, एंड इन हिंदी ऑल्सो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली हिंदी में समझ में आएगा, लेकिन डायलॉग्स कितने तगड़े हैं, डबिंग कितनी तगड़ी है। मैंने तेलुगु को एक इसलिए भी देखा क्योंकि हम जिनकी मूवी देख रहे हैं, जो भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, उनकी आवाज़ में वो डायलॉग्स कैसे लगते हैं। इट वॉज सुपरली फैंटेस्टिक, नो वर्ड्स कैन डिफाइन दिस, एंड आई एम क्लियरली से दैट माई बर्थडे इज God, yeah! This is the best gift ever possible. Okay? एक तो आदि पुरुष मूवी, भगवान श्री राम की मूवी आ रही है, that too on my birthday, I cannot even मेरे तरफ से सबको पार्टी, मैं अपने पूरी फैमिली को लेके जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी और जितने फ्रेंड्स वेंड्स होंगे सबको लेके जाऊंगी, और मैं I cannot even tell you. I just enjoyed this trailer throughout. Like I know right now I'm maybe some people will think I'm sounding childish, but this is not childish, this is me, this is my real emotions coming out and explaining this video, this trailer. This is a full 3 minute and 19 seconds of goosebumps, I cannot even explain.
टाइम तो मेरे को पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया। सारी चीज़ें मुझे बहुत ही तगड़ी लगी है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। स्पेशली जब वो डायलॉग आता है कि सीता मुझे मेरे प्राण के बराबर प्यारी है लेकिन मर्यादा मेरे लिए उससे भी ज़्यादा प्यारी है। जिन लोगों को रामायण के बारे में पता होगा उनको पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता होगा मैं एक बात बता दूं कि रावण को ये वरदान था कि उनको भगवान नहीं मार सकता, कोई देवता नहीं मार सकते, कोई असुर नहीं मार सकते, ये सारे उनको वरदान थे। बट एक इंसान मार सकता था, वो भी ऐसा इंसान, अब इंसान ही मार सकता था, लेकिन जो भगवान श्री राम आए उन्होंने क्यों अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करा? वो अपनी शक्ति से चाहे एक मिनट में कुछ भी कर सकते थे, उनका इतना बड़ा राज्य था, वो वहाँ से अपनी सेना को ला सकते थे। बट ही वॉज मर्यादा उन्होंने फॉलो करी, ठीक है, मुझे नहीं पता मर्यादा के लिए ऐसे कोई इंग्लिश वर्ड बना है या नहीं बना है, आई डोंट नो, बट मर्यादा उन्होंने फॉलो करी एंड देन ही उन्होंने विक्ट्री प्राप्त करी, उन्होंने रावण को मारा। रावण इज नॉट, डोंट थिंक हिम एज अ ह्यूमन, जस्ट थिंक हिम एज अ लाइक अहंकार और मतलब ऐसे द्वेष जो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। सो ही जस्ट फिनिश्ड ऑल दैट अवे विद पावर ऑफ धर्मा, ओके, दिस इज कॉल्ड सनातन धर्मा, दिस इज कॉल्ड अवर रामायण। ओ माई गॉड, आई के नॉट, अभी भी मैं कितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आई के नॉट इवन टेल यू, बट आई एम कीप सेइंग दिस, जय श्री राम, जय श्री राम, ऑल दिस सॉन्ग्स जो भी इसमें आ रहे थे, जय श्री राम वाला आया जो स्टार्टिंग है, मंगल भवन, मतलब जितने भी मेरे को लगता है इसमें होंगे वो बहुत ही मस्त होंगे। एंड अब सिलसिला शुरू होगा जब सारे सॉन्ग्स आने स्टार्ट होंगे और वो सारी चीज़ें, आई के नॉट इवन टेल यू, मैं बार बार यही बोल रही हूँ और मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं आपको वर्ड्स में नहीं समझा सकती कि मुझे ट्रेलर कैसे लगा है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय माय वर्ड्स, बाय माय इमोशंस, बाय माय एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, ओके। तो आप बताना आपको ट्रेलर कैसा लगा, मुझे कमेंट करना, और प्लीज़ गाइस जितने ज़्यादा जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हो लिखो, हैशटैग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आदि पुरुष। आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, ये मूवी आएगी। That is it from my side. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe my channel. I will see you super soon in your commented video. Till then, Jai Shri Ram.